हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी की नई वैकेंसीज आई हैं। 8 डिपार्टमेंट्स हैं, 8 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए वैकेंसी अभी पीएससी ने जारी किया है। कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है ये भी डिस्कस करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे कितनी वैकेंसीज आई हैं वो देखिए। पहले डिपार्टमेंट से डिस्कस करते हैं। पहला डिपार्टमेंट है खेल एवं युवक कल्याण विभाग। ये वैकेंसी का नाम है जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर ऑफिसर। इसमें जो वैकेंसी है, इसमें कितनी वैकेंसी पहले देख लेते हैं। वैकेंसीज हैं यहाँ पर कुल 3 वैकेंसी हैं, सॉरी कुल 6 वैकेंसी हैं, रिजर्व के लिए 3 वैकेंसी हैं। अब देखो यहाँ पर याद रखिएगा, जो ग्रेड पे है वो है 4200 का और पे इसके लिए 9300 से 34800, यानी जो नायब तहसीलदार है उससे ऊपर का ग्रेड पे है। और याद रहे द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी है। वैकेंसी का नाम जो यहाँ पे अस्थायी लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, स्नातक के साथ MPA होना चाहिए और साथ में MPE एवं राष्ट्रीय खेल अथवा अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व यदि है तो आपको इसमें अनिवार्य शैक्षणिकता मानी जाएगी। अब इसमें और बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं लिखी हैं, बाकी जैसे MPPSC बाकी एग्जाम्स अप्लाई करते हैं उसी तरह है। हाँ, आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वह 26 मई 2023 से फॉर्म भरे जाएंगे, 26 मई से लेकर 25 जून 2023 के बीच के फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। दूसरी वैकेंसी यहाँ पे आई है आपकी कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की और वैकेंसी का नाम है सहायक संचालक रेशम, इसको इंग्लिश से बोलेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर रेशम, है ना। अब इसमें वैकेंसी कितनी आई पहले देख लेते हैं। वैकेंसी कुल मिला के यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, एक अनरिजर्व की है, एक शेड्यूल ट्राइब की है। अब देखो वैकेंसीज में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मांगी है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि अधिमान्यता में यदि आपके पास PhD उपाधि है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर मांगा है किस वैकेंसी के लिए, सहायक संचालक रेशम के लिए, है ना। इसमें वैकेंसीज कितनी है डिस्कस कर लिया आप लोगों से। अगली वैकेंसी है खनिज साधन विभाग की। खनिज साधन विभाग में पोस्ट का नाम है खनि अधिकारी, इसको इंग्लिश से बोलते हैं माइनिंग ऑफिसर। इसमें वैकेंसीज कितनी पहले देख लेते हैं। कुल मिला के 5 वैकेंसीज हैं, 2 अनरिजर्व की हैं, एक एससी की, एक एसटी की, एक ओबीसी की, है ना। नाउ यहां पर वैकेंसीज में बेसिक क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, भू विज्ञान जियोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि या अनुप्रयुक्त भू विज्ञान अप्लाइड जियोलॉजी में MTech उपाधि भी माना जाएगा। तो ये वैकेंसीज में क्वालिफिकेशन मांगा है, यदि आप क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे इसमें कुल वैकेंसीज कितनी, कुल 5 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर जो पे स्केल काफी इंप्रेसिव है, 56,100 से लेकर 1,77,500। देखो ये यहाँ पे 7 पे स्केल लिखा हुआ है, कुछ में 6 पे स्केल के हिसाब से, 6वें वेतनमान के हिसाब से लिखा है, कुछ में 7वें वेतनमान के हिसाब से लिखा है ना, तो उसमें पैनिक नहीं होना है ना। नाउ अगली वैकेंसी यहाँ पर आप देखेंगे, वैकेंसी का नाम है यहाँ पे लेट मी शो दिस वन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक जिला सांख्यिकी अधिकारी की वैकेंसी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, है ना। यहाँ पर कितनी वैकेंसी पहले देख लेते हैं। कुल मिला के 3 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व की है, 1 यहाँ पर EWS की है। SC ST OBC की एक भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं डाली गई है। अब देखो यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, अर्थशास्त्र सांख्यिकी वाणिज्य कृषि अर्थशास्त्र सांख्यिकी में किसी एक विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, मतलब PG होना चाहिए आपके पास में। इसके अलावा क्षेत्रीय नियोजन एवं आर्थिक विकास में स्नातकोत्तर उपाधारकों को अधिमान्यता दी जाएगी, है ना। ये है आपकी वैकेंसी किसके डिस्कस किया अभी हम लोगों ने, असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का। अगली वैकेंसी यहां पर है, ये है आपकी आयुष विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी, विशेषज्ञ होम्योपैथी के लिए है, मतलब स्पेशलिस्ट के लिए है। वो देखिए यहां पर कितनी वैकेंसीज यहां पर दी गई हैं, कुल 1 वैकेंसी है। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी क्लिनिकल विषय में CCS द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा मध्यप्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित होम्योपैथी परिषद में आपको पंजीकरण भी होना चाहिए, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। अगली वैकेंसी आपके सामने है, ये है वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसी आई थी, सिस्टम एनालिस्ट की। याद रहे सारी वैकेंसी 2023 के लिए है। अब देखो यहां पर सिस्टम एनालिस्ट किस पोस्ट में यदि आप देखेंगे वैकेंसीज कितनी है पहले देख लेते हैं। कुल मिला के यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में BBTech में 60% अंक के साथ में उत्तीर्ण अथवा MCA MCM MSc सूचना प्रौद्योगिकी MSc कंप्यूटर विज्ञान में 60% अंक के साथ में यदि आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसी है। अब इसके बाद अगली वैकेंसी पशु चिकित्सा सहायक संलग्न की, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के लिए। इसमें याद रहे इसमें जो वैकेंसीज दी हैं कुल 80 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई हैं, है ना। तो ये पहली बात तो ये है। दूसरा यहाँ पे कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन थोड़ा नीचे दी हुई है, दैट मींस सो दिस वन टू यू।
क्वालिफिकेशन पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है डिस्कस कर लिया, 80 वैकेंसीज थी था ना, तो इसको पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन विधि के नियमों में अधीन के अधीन स्थापित भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक, और साथ में विधि के नियम के अधीन स्थापित मध्य प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन पद के विज्ञापन की तारीख के पूर्व पंजीकृत होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीज यहाँ पे मांगी गई है, पंजीकरण स्थायी होना अनिवार्य है, ये चीजें यहाँ पे मांगी गई है। मतलब आपका हमारा जो वेटनरी काउंसिल है उसमें आपका मध्य प्रदेश वेटनरी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, यदि नहीं है तो फिर उस केस में अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अभी जाकर प्रॉपर तरीके से इसके अप्लाई कर दें। और यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है इस बार बताया गया है, अंडरग्रेड की 22 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी बताई गई 80 वैकेंसी है, अंडरग्रेड की 22 है, 13 एससी की है, 16 एसटी की है, 21 ओबीसी के लिए, 8 ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन है सिस्टम एनालिस्ट की, ये वैकेंसी है वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत। सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसीज में ये क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ओके, सिस्टम एनालिस्ट मैंने डिस्कस कर लिया क्या? या डिस्कस इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब अगली वैकेंसी आपके सामने है, ये है टेक्निकल एजुकेशन एग्जाम में, आई मीन जो आईटीआईज होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे प्राचार्य प्रथम श्रेणी की वैकेंसी आई है, फिर उप संचालक की वैकेंसी आई है, फिर इसके अलावा प्राचार्य द्वितीय श्रेणी की वैकेंसी है, फिर इसके अलावा सहायक संचालक तकनीक की वैकेंसी है। इसमें मल्टीपल वैकेंसीज आप कह सकते हैं, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे काफी सारी हैं। यदि आप देखेंगे यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, दस वेरी बिग नंबर ऑफ वैकेंसीज। प्राचार्य प्रथम श्रेणी की 29 वैकेंसीज हैं, फिर उप संचालक की यहाँ पे 8 वैकेंसी है, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी की वैकेंसी 96 है, सहायक संचालक तकनीक की 48 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन किसके लिए क्या है ये आप क्वालिफिकेशन जरूर देख लो। प्राचार्य प्रथम श्रेणी के लिए मांगा है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय का या मंडल या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा दिया है, तो उसके कंडीशन में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मांगा भी है कि शासकीय संगठन निर्माण कार्य विभागों या भारत सरकार द्वारा जो भी आपके मध्यम उद्योगों में कार्य करने या व्यवहारिक अनुभव, उपाधारक के लिए 2 वर्ष, तभी डिप्लोमा धारक के लिए 7 वर्ष होना चाहिए। यदि आपके पास डिग्री है तो उस कंडीशन में आपके पास 2 साल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यदि मान लीजिए केस आप डिप्लोमा है अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उप संचालक के लिए भी सेम मांगा है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है। प्राचार्य द्वितीय श्रेणी के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम मांगा है और जो एक्सपीरियंस है वो जरूर यहाँ पे लिखा है कि डिप्लोमा धारक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव यहाँ पे मांगा है ना। यहाँ पे डिग्री वालों के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसके अलावा सहायक संचालक तकनीक की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये है और साथ में ये अनुभव एक्सपीरियंस इतना मांगा है 5 साल का, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो कुल मिला के ये सारी पोस्ट आपके एमबीपीएससी के द्वारा जारी किया गया भी हाल ही में नोटिफिकेशन में। तो कुल मिला के यदि हम कहें तो यहाँ पे 8 डिपार्टमेंट्स हैं, 8 डिपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए एमबीपीएससी ने एमबीपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं आप लोगों को फिर एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आने वाले कल में जो वैकेंसीज मध्य सरकार के पास में है तो जल्दी वैकेंसी शायद जारी हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वैकेंसीज तो जारी हो जाएंगी इसका हमें उम्मीद है, बिकॉज इलेक्शन होने के पहले पहले एमबीपीएससी की में सारी वैकेंसी जारी करवा दी जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार इस चीज को इंश्योर करेगी, दे विल क्रिएट अ वैकेंसीज एटलीस्ट। उसका रिक्रूटमेंट कब होगा इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, बिकॉज एमबीपीएससी काम करने का तरीका कैसे है उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, वैकेंसीज आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएंगे, इसलिए आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बाकी जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि एमबीपीएससी ने बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा डिले कर दिया है, दैट्स आल्सो कंसर्न। बहुत सारे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उससे कोई एमबीपीएससी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा होगा लेकिन बहुत धीमा फर्क पड़ रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि थोड़ा सा जो काम करने का तरीका एमबीपीएससी का थोड़ा स्पीड अप हो जाए तो काफी अच्छी बात होगी। जितनी तेज गति से नोटिफिकेशन आते हैं उतनी तेज गति से रिजल्ट भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। एनीवे, डिस्कशन को इस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमबीपीएससी 2022 का जो एग्जाम होने वाला है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसको हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये एग्जाम होने वाला है 21 मई को। तो आप सभी लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं, पूरी शिद्दत से तैयारी करें, पूरी मेहनत करें। आने वाले कल में हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे तो उसके एमसीक्यू एनालिसिस प्रॉपर तरीके से किए जाएंगे, तो उससे आपको बेनिफिट बहुत सारा मिलेगा, है ना। तो आई एम श्योर कि उससे आपको बेनिफिट मिले। इसके अलावा हमारा बैच कोर्स भी चल रहा है, बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी एमबीपीएससी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक मैसेज करना है कि आई वांट टू ज्वाइन एमबीपीएससी 2022 प्रीलिम्स बैच कोर्स, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा ना, उसकी फीस कितनी है, क्या कैसा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने से भी तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करें, रोज गिरे रोज उठें, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन लगता है लेकिन उसके बावजूद उससे एक स्टेप आगे आपको बढ़ना होता है, परफॉर्म करना होता है, एफर्ट्स डालने होते हैं, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स, है ना। लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखें, पढ़ाई में निरंतरता होना बहुत जरूरी है, दैट विल
give you final selection over there. Anybody discussion को इस वाइड करते हैं, यदि आपके पास फादर कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं. मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप द पावर, टेक केयर.